तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी एसे सीरीज़ कुछ अपने स्टफ़ इकट्ठे किए हुए हैं जिस जो कि मैं ट्रैवल करते समय डेफिनेटली लेकर के जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों ही बैकपैक में इनको अरेंज करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन सा बैग आपको लेना चाहिए। क्योंकि कंपनी दोनों ही बैग को 35 लीटर का क्लेम करती है, बट जैसा कि आप जानते हो, जब आप ड्रेस लेने जाते हो कभी आपको एक्सल फिट हो जाएगा, कभी डबल एक्सल फिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी भी ये कंसिडर करता है कि कंपनी अलग अलग ड्रेस पे अलग अलग आपको साइज़ मिल सकती है, तो वैसे ही यहाँ पे बैग पे भी डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और इसके अलावा मैंने इस पे क्या क्या सामान रखा है उसकी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा आइडिया हो जाए। आप ये देख सकते हो काफ़ी ये स्ट्रेचेबल है, तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आपका लैपटॉप थोड़ा बड़ा या छोटा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसमें इजिली कैरी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ड्रेसेस रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप बैग पे यहाँ पे आप अपना इम्पोर्टेंट चीज़ रख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको एंटी थेप पैकेट बताया था, सॉरी एंटी थेप पॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पर्स और जो भी आप चाहे तो TWS वगैरह भी यहाँ पे कैरी कर सकते हो। तो ये आपके वैलेट के लिए परफेक्ट जगह है, तो इस तरीके से ये। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरी पैकिंग कर ली है, और आप इसके बाद भी आप यहाँ पे स्पेस देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बैग कितना खाली है मेरा, इस वाले सेक्शन में मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इस वाले सेक्शन में मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर बॉटल रखने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ पाएंगे कि आपको कौन सा बैग लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ब्राउन वाले बैग पे रख के सेम यही चीज़ें ब्राउन वाले बैग पे रख के दिखाता हूँ। फाइनली अब स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए है कि किस तरीके से अगर ये बैग वो स्कूल के लिए बाय करने वाले हैं तो उनके लिए ये सही है या नहीं, टोटल इसमें कितनी बुक्स या कॉपीज आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 बुक्स एंड 5 नोटबुक्स कलेक्ट किए हुए हैं, इसके अलावा एक ज्योमेट्री बॉक्स और एक वाटर बॉटल। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा पाओगे कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इसे फटाफट से रख के हम देख लेते हैं। सॉरी, ये गलती से बैग में रह गया था, प्लीज इसे स्कूल लेके मत जाइएगा, अदरवाइज आपको पता है स्कूल में क्या होने वाला है। और इसे भी मत ले जाइएगा, सॉरी अगेन। और ये हो गया आपका स्कूल बैग रेडी।
अब सेम इन्हीं चीजों को मैं ब्लैक वाले बैग पे रख के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो आपको स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है लाइक दिस। ये जरूर से रखिएगा, सैनिटाइजर बॉटल आपके पास होनी चाहिए तो आप इसे इस तरीके से प्रॉपर रख पाओगे। आप यहाँ पे अपना कंपोज बॉक्स रख सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पे टिफिन बैग भी आराम से कैरी अपना टिफिन भी कैरी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंपोज बॉक्स हो गया, इसके अलावा टिफिन आ जाएगा, इसके अलावा आप यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें एसेसरीज कैरी करने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हो नेट वाले, तो कुछ इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है, तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा सही लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो उतना ही सामान मैंने इस वाले बैग पे भी रखा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा बैग भर चुका है। तो दोनों ही बैग की साइज आपको 35 लीटर की है एज अ कंपनी, जैसा कि कंपनी ने बताया है और अपनी साइट पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 35L में ये पूरी तरीके से पैक हो चुका है, जबकि उस वाले बैग में आपको डेफिनेटली स्पेस ज़्यादा मिलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे बैग का कंपेरिजन खत्म होता है। आप देख सकते हो जब मैंने इस पे बुक्स रखी तो इसके बाद भी कितना स्पेस आपको इसमें मिलता है। तो अब बात करते हैं आपको कौन सा बैग खरीदना चाहिए। तो सिंपल है, जैसा कि आपके रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी आवश्यकता है। यदि आप एक दो दिन के टूर में जाते हो, एक दो सेट कपड़े लेके, आपका लैपटॉप, एक दो बुक्स और कुछ म्यूजिक इक्विपमेंट यानी कि आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह, तो आप इसके साथ जा सकते हो क्योंकि इसकी साइज कंपेटेबल है आपके नीड के हिसाब से। बट अगर आपका ट्रैवल प्लान है 3 to 5 days के अकॉर्डिंग, तो आप इसके साथ जाइएगा क्योंकि इसमें स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है। वाटरप्रूफ आपको दोनों ही, थोड़े बहुत वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं है साथ में, मतलब वाटर रेजिस्टेंस क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आपको यहाँ पे रेन कवर दोनों में ही दिया हुआ है, तो आप दोनों में ही प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो इसमें आपको कोई इश्यू नहीं है रेन कवर के साथ। ठीक है, इसके अलावा सिलाई से लेके बाकी सारी चीज़ों में आपको, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, आप किसी भी, अगर आपको स्टिचिंग की दिक्कत है, सिलाई तो दोनों में ही प्रॉपर है, बहुत अच्छे से उन्होंने करी हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे आपकी नीड है, आप बिना कुछ सोचे अपनी नीड के हिसाब से कोई सा भी एक बैग पैक कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके अलावा अगर कुछ भी पॉइंट छूट गया हो, अगर आपके मन में और कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मैंने वीडियो में कवर नहीं कर पाए हूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से भेजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिएगा। राधे राधे।